अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कोलंबस स्ट्राइकर्स हैज वॉन हिज फर्स्ट मैच इन लंका प्रीमियर लीग और कोलंबस स्ट्राइकर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबर आजम, द किंग बाबर आजम। और उन्होंने कोलंबस स्ट्राइकर्स ने आज अपना फर्स्ट मैच विन कर लिया है और बाबर आजम वॉज मैन ऑफ द मैच और अच्छा खेला बाबर आजम ने। सिर्फ बाबर आजम ने ही अच्छा खेला बिकॉज बैट्समैनों में सिर्फ बाबर आजम ने अच्छा खेला है और बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, चाहे वो कोलंबस स्ट्राइकर्स के हों चाहे वो बी लव कैंडी के हों, बिकॉज बहुत ही बॉल स्पिन हो रही थी बॉल पे, बहुत ही मुश्किल पिच थी और बाबर आजम ने इस पिच पे 59 रन स्कोर किए 52 बॉल्स पे। अब आई नो के स्ट्राइक रेट जो ब्रिगेड है वो अब आ जाएंगे और कहेंगे कि बाबर आजम ने T20s में 52 बॉल्स खेल के 59 रन बनाए। तो आप लोग जाएं पहले मैच देखें, मैच में की कंडीशंस देखें और वो पिच देखें जिसपे ये मैच खेला गया है। तो ये जो 59 रन है इसको ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और ये बॉल्स आपके को इतनी ज्यादा, बिकॉज कोलंबस स्ट्राइकर्स ने 157 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, बट स्टिल दे वॉन द मैच विद 27 रन और क्वाइट इजिली है कि उन्होंने लास्ट में तो बिल्कुल ही है कि मैच खत्म हो गया था बिकॉज इतना ज्यादा हिट्स लग ही नहीं रही थी और बहुत ही मुश्किल हो गया था बी लव कैंडी के लिए रन स्कोर करना। और एज आई सेड कि पिच बहुत ही स्पिन फ्रेंडली थी और आई डोंट नो श्रीलंका वाले ये T20s में भी ऐसी स्पिन ट्रैक बना देते हैं, व्हाई। आई मीन T20s की तो पिच ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली हो या सपोर्टिव हो एटलीस्ट। चलो अगर बैटिंग फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं बनानी तो सपोर्टिव तो हो कि कुछ तो बैट्समैन के लिए भी उसमें हो, इस तरह के पिच से क्या हासिल है। T20 तो इज ऑल अबाउट यू नो हिटिंग सिक्सेस एंड बाउंड्रीज और इसी से उसकी हाइप बनती है, बट आई डोंट नो क्या उनके इसके पीछे स्ट्रेटजी होगी इस तरह की पिच बनाने की। खैर अच्छी बात है, ऐसी कंडीशन में हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सरफराज अहमद, बाबर आजम, बहुत से लंका प्रीमियर लीग में काफी पाकिस्तानी खेल रहे हैं, तो अच्छा है ऐसी पिचेस पे उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बिकॉज एशिया कप भी श्रीलंका में ही होना है, वर्ल्ड कप भी मोर और लेस इसी तरह की कंडीशन में होना है। और अच्छी बैटिंग की बाबर आजम ने, काम पेशेंट जो है इनिंग खेली इवन इन T20s और बताया लोगों को कि T20s में भी किस तरह से इनिंग बिल्ड की जाती है जब आपको कोई नहीं सपोर्ट मिल रहा हो नॉन स्ट्राइकर एंड से, तो आप किस तरह से इनिंग बिल्ड करते हो, एंड दैट्स व्हाई ही इज द किंग ऑफ क्रिकेट। एंड बहुत ही क्लास की इनिंग उन्होंने खेली और तो उन्होंने भी इतनी ज्यादा जो है वो बाउंड्रीज और नहीं हिट की, आई थिंक जस्ट एक सिक्स बाबर आजम ने हिट किया है और चार बाउंड्रीज हिट की हैं, बाकी सब उन्होंने सिंगल डबल गैप्स ढूंढे, सिंगल डबल किए और अच्छी जो है वो काम इनिंग खेली है और कंपोज इनिंग खेली है और अपनी टीम को गाइड किया है टूवर्ड्स विक्ट्री। और बाबर आजम एज अ सेट मैन ऑफ द मैच रहे और इसके बाद जो है बाबर आजम सबसे ज्यादा उन्होंने रन स्कोर किए कोलंबस स्ट्राइकर्स के लिए, 59 रन उन्होंने स्कोर किए, नवीन फर्नांडो ने 28 रन स्कोर किए ऑफ 31 बॉल और निशान खान ने 15 रन स्कोर किए ऑन 12 बॉल। और जो बी लव कैंडी जब बैटिंग करने आई तो स्टार्ट में ही नसीम शाह ने उनकी दो विकेट्स ले ली थी और बहुत ही जो है वो मुश्किल में थी बी लव कैंडी और फिर वो है कि पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे बट कोई पार्टनरशिप नहीं लग सकी और मतलब जरा जो पार्टनरशिप बिल्ड होती थी और फिर एक्सेलरेट करने जाओ तो वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती थी और बहुत ही मुश्किल था बैटिंग करने पे। एंजेला मैथ्यूज इतने एक्सपीरियंस हैं श्रीलंका के प्लेयर, उन्होंने 25 रन स्कोर किए ऑन 22 बॉल्स, सरफराज अहमद नॉट आउट रहे 16 रन उन्होंने स्कोर किए ऑन 21 बॉल्स, तो है कि अच्छी जो है स्पिन बहुत अच्छा हो रहा था इस पिच पे और बैटर्स के लिए बहुत ही मुश्किल था रन करना, बट स्टिल बाबर आजम मैनेज टू स्कोर 50 एंड हैट्स ऑफ टू हिम एंड कांग्रेचुलेशंस टू हिम बिकॉज बहुत बातें हो रही थी ऑल्दो जस्ट 6 इनिंग हुई है उन्हें टेस्ट में कि उनकी कोई सेंचुरी नहीं आई, जस्ट 3 इनिंग हुए हैं T20s में कि उनकी कोई सेंचुरी नहीं आई, जस्ट आई थिंक 2 इनिंग्स हैं उनकी ODIs की जिसके में सेंचुरी नहीं आई, बट स्टिल जो स्टैंडर्ड्स माशाल्लाह सेट कर दिए हैं बाबर आजम ने, तो हर किसी को लग रहा था बाबर इज आउट ऑफ फॉर्म, बाबर रन्स नहीं कर रहे तो क्या हो गया, अभी एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, फैंस भी है कि सोच में पड़ गए थे, बट थैंक के बाबर आजम के रन्स जो हैं स्कोर हुए और अच्छी पिच जो मुश्किल पिच थी उस पर भी उन्होंने स्कोर किए, तो इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर बाबर आजम एंड फॉर हिज फैन एज वेल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।